हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्रीज को। आप बोलेंगे, मैडम आप तो जनरल एंट्रीज का चैप्टर पढ़ा चुकी हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जनरल एंट्री फिर से लेकर आई हूँ। क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को पूरा करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में मैं जनरल एंट्रीज कैसे होगी मॉडर्न मेथड से एंड साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड से, दोनों को ही बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मॉडर्न मेथड के थ्रू एंट्रीज को समझना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ट्रेडिशनल मेथड से एंट्रीज को समझना अच्छा लगता है। आज मैं दोनों ही मेथड से आपको बताऊंगी कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, तो आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है कि हाँ स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो मेथड होती हैं जनरल एंट्री करने की। पहली मेथड कौन सी होती है? पहली मेथड होती है, यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि हम आगे जो ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री करेंगे दोनों मेथड के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहली मेथड होती है हमारी ट्रेडिशनल मेथड। कौन सी मेथड होती है बच्चों? ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से इसमें क्या होते हैं? तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इसके बाद क्या होता है? इसमें एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीनों में ही एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है, द रिसीवर, उसे क्या होता है? डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जैसे किसी का नाम हो गया, कैश, बैंक, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब भी पर्सनल अकाउंट में ही आती है। और क्रेडिट किसे कहते हैं? गिवर को, द गिवर। क्लियर हो गई? अब रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो भी आ रहा है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में क्या होगा? व्हाट गोज आउट। क्लियर? इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंस है और जितने भी हमारे लॉस हैं वो सब क्या होंगे? डेबिट होंगे। लेकिन जितनी भी हमारी इनकम है, ऑल इनकम एंड गेन, ये क्या होंगी? ये होंगी क्रेडिट। क्लियर हो गया? ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू किस तरह से हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड का बन गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मॉडर्न मेथड पे। किस पे? मॉडर्न मेथड पे। मॉडर्न मेथड में क्या होते हैं? फाइव टाइप होते हैं। पहला होता है एसेट्स, फिर होती है लायबिलिटी, फिर होती है कैपिटल, फिर होते हैं हमारे रेवेन्यू, और फिर हमारी होती है एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये किस में होता है? मॉडर्न मेथड में होता है। इसमें भी क्या होता है बच्चों? डेबिट एंड क्रेडिट होता है। बहुत सारे बच्चों को मॉडर्न मेथड ज़्यादा इजी लगती है, तो हम मॉडर्न मेथड भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका है इसे याद रखने का कि डेबिट वाला इंक्रीज होता है। जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, साथ ही साथ जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होती है तब उसे डेबिट करते हैं। पूरा लिख देती हूँ, इंक्रीज। उसी तरह से जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो उन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक इसके अपोजिट होता है। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, कैपिटल डिक्रीज होती है
तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू डिक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, तीनों के क्रेडिट कर देते हैं। अब आप बार बार तो ये लिखेंगे नहीं, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है ये हमारी फाइव फिंगर्स। आप स्टार्टिंग में ये याद कर लो कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आती है हमारी एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है, और सबसे लास्ट में होती है हमारे एक्सपेंसेस। जब हमारी एसेट्स और जब हमारे एक्सपेंसेस ये दोनों जब इंक्रीज हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें डेबिट कर देते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो हम इन्हें क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बीच वाली थ्री फिंगर हैं इनका आपको ध्यान रखना है, बीच वाली थ्री फिंगर में क्या आ रहा है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रिवेन्यू। जब ये डिक्रीज होंगी तब इन्हें डेबिट करेंगे, और जब ये इंक्रीज होगी तब इन्हें क्रेडिट करेंगे। तो आप जब एंट्री करते हो तो अपनी फिंगर तो आप तुरंत ही खोल सकते हो, तो इस हिसाब से आप इसे कर सकते हो। अब यहाँ पर ये चीज़ आप समझ गए, ये क्या है, मॉडर्न मेथड है, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का, और ये पूरे रूल हो गए। अब कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं, तो उन जनरल एंट्री को देख लेते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली जनरल एंट्री है इसको हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि दोनों दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहली जो जनरल एंट्री है, फर्स्ट वाली, दिख रहा है ना यहां से आपको, थोड़ा सा और इधर कर देती हूं, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। जो फर्स्ट वाली मेरी जनरल एंट्री है, जो मुझे लगता है कि बार बार आती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, कि हमने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। क्या जनरल एंट्री लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं इंट्रोड्यूस कैपिटल एंड स्टार्ट बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कितने की कैपिटल, कैपिटल 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की हमने कैपिटल के साथ क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। दोनों ही मेथड के थ्रू यदि हम समझते हैं, पहली मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो यहाँ पर ध्यान रखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है कैश, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश से किया है, एक आ रहा है कैश और दूसरा आ रहा है कैपिटल। कैश क्या है बच्चों, कैश है एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कैश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, कैश एंड कैपिटल दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर क्या है, डेबिट किसे करेंगे, रिसीवर को। जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो डेबिट किसको कर देंगे हम, यहाँ पर डेबिट हम किसको कर देंगे, कैश अकाउंट को। तो कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, गिवर है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के थ्रू ही तो पैसा आ रहा है ना, तो गिवर कौन है, कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। इसी को यदि मैं मॉडर्न मेथड से देखती हूँ तो यहाँ पर मेरी कैपिटल अलग है, ठीक है, और कैश एसेट्स है, तो कैश जब इंक्रीज हो रहा है, ये एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करना है, डेबिट करना है, और कैपिटल जब इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसीलिए को तो बच्चों को मॉडर्न मेथड अच्छी लगती है, क्योंकि क्लियर क्लियर दिया रहता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ता है, बट यहाँ पर क्लियर दिया रहता है। अब इसमें सेकंड एक और एंट्री है, अमाउंट लिख देना 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। अब इसमें एक सेकेंड एंट्री आती है, परचेज फर्नीचर, ठीक है, क्या एंट्री आती है, परचेज फर्नीचर 20,000, मैंने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया है, ध्यान से समझना, मैंने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड पे, अब मैंने जब फर्नीचर परचेज किया है तो मेरे पास क्या हो गया, मेरा एक तरह से एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया ना, तो जितने भी मेरे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं वो मुझे कहाँ लिखने पड़ेंगे, डेबिट में लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बच्चों मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक तरह से रियल अकाउंट है, वो फर्नीचर मेरे पास आ गया है, तो व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दूँगी। अब क्या होगा, किसके थ्रू आया है, कैश के थ्रू आया है, यदि नहीं लिखा है तो क्रेडिट के थ्रू आया है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ परचेज फर्नीचर इन कैश,
ठीक है, ज़्यादा उसको अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। परचेज फर्नीचर इन कैश, तो हमने कैश में खरीदा, तो हमारे पास से क्या हो गया, कैश कम हो गया, कैश चला गया, कैश गिवर है, तो गिवर कैश तो वैसे भी पर्सनल अकाउंट है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब इसे यदि मैं मॉडर्न मेथड के थ्रू समझती हूँ, तो मॉडर्न मेथड में क्या होगा, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, यदि एसेट्स इंक्रीज हो जाती है तो उसे डेबिट कर देते हैं, और कैश क्या है, कैश भी एसेट्स है, तो कैश जब डिक्रीज हो जाती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, इसीलिए तो मॉडर्न मेथड ईजी है। चलो अब इसमें नेक्स्ट क्या है, अमाउंट लिख देना 20,000 का। अब इसी में नेक्स्ट है बच्चों ये वाला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, ठीक है। अब परचेज गुड्स जब हमने किया तो ध्यान से समझो, परचेज गुड्स में क्या होता है, यहां पर हमने, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब गुड्स आता है तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते हैं, कभी भी गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते हैं, ऐसी स्थिति में मुझे परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, सेम एंट्री होगी लेकिन क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझो, जब हम फर्नीचर अकाउंट में थे तब वो रियल अकाउंट था, क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट्स है और एसेट सारी रियल अकाउंट में आती है, लेकिन यहां पर हम फर्नीचर नहीं लिख रहे हैं, यहां पर हमने खरीदा है गुड्स। तो अब क्या होगा, ट्रेडिशनल मेथड में जब हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे तो वो नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा, और जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने परचेज करने पर क्या किया है, खर्चा किया है ना, हमारे पास से पैसा गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि जितने भी खर्चे और लॉस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, तो उन्हें डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, और खरीदने से हमारी कैश चली गई, कैश क्या है, गिवर है, तो हमारे पास उसे हमें क्रेडिट करना होगा ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। यदि अब हम इसे मॉडर्न मेथड से समझते हैं तो परचेज करने से क्या हुआ, हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया, परचेज करने से हमारा जो खर्चा है वो इंक्रीज हो गया, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें इंक्रीज होती है तब डेबिट करते हैं, और कैश क्या हुई, हमारी कैश खत्म हो गई, मतलब कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो जितनी भी एसेट्स होती है उन्हें क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर, दोनों ही मेथड से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि ये हमारा जो साइड में मैंने बनाया है वो बना रहे, और आपको फिर से कुछ दो तीन ट्रांजेक्शन और समझा देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन कौन सा है जो अधिकतर पूछा जाता है, वो है सोल्ड गुड्स, ठीक है। अभी हमने परचेज गुड्स करा था, अब जो नेक्स्ट वाला है सोल्ड गुड्स, परचेज करने पर क्या आया था, परचेज करने पर हमने सामान खरीदा था, हमारे पास आ गया था, अब बेचने से क्या हुआ, हमारे पास से जो हमारा गुड्स है वो चला गया और पैसा आ गया, तो यहाँ पर जब कैश आया तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट एंड सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। अब यदि यहाँ पर यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं तो कैश क्या हो गया, कैश हमारा है पर्सनल अकाउंट और हमें रिसीव हो गया, तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और सेल्स क्या है, ठीक है, सेल्स क्या है, सेल्स जो है हमारी वो है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल करने पर हमारे पास क्या हुआ, इनकम हुआ, गेन हुआ, तो यहाँ पर जितने भी इनकम और गेन है उन्हें कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और 20,000 यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, ठीक है ना, 20,000 अमाउंट लिख दिया, क्लियर हुआ। अब इसे हम यदि मॉडर्न मेथड से देखेंगे तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया तो कैश को डेबिट कर दिया, और सेल्स क्या है, हमारा रिवेन्यू है, सेल्स क्या है बच्चों, हमारा रिवेन्यू है, और जब हमारा रिवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर जब आप मॉडर्न मेथड के थ्रू करो तो ध्यान रखना, जो सेल्स है सेल्स से हमेशा हमें रिवेन्यू होता है, और जो परचेज है उससे हमेशा हमें क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, लेकिन जब फर्नीचर की बात आ जाती है तो फर्नीचर हमारी एसेट्स बन जाती है, तो हम ये ऊपर एसेट्स का इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, लेकिन जब गुड्स की बात आती है तब हम रेवेन्यू या एक्सपेंसेस देखते हैं, ठीक है, ये सेल्स हो गया। अब इसी तरह से एक एंट्री है रिटर्न की, ठीक है, सेल्स रिटर्न की, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जैसे गुड्स रिटर्न टू रमेश, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू रमेश, हमने
रमेश से कभी सामान खरीदा होगा उसमें से 5000 का उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, हमने रमेश से कभी सामान खरीदा होगा उससे 5000 का रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने में क्या हुआ, देखो जब हम गुड्स रिटर्न टू रमेश को मतलब हमने उससे परचेज किया था, अब हमने उसे वापस किया तो हमने परचेज रिटर्न किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, परचेज रिटर्न किया है। अब परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखिए परचेज अकाउंट डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। टू परचेज रिटर्न और किससे, रमेश से, किससे हुआ, रमेश से, और इसे डेबिट कर देंगे और 5000 लिख देंगे। अब इस एंट्री को ध्यान से समझना, रमेश कौन है जिसे हमने सामान वापस दे दिया, हमने खरीदा था अब हमने उसे वापस दे दिया, तो रमेश कौन हो गया, ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग रमेश हो गया रिसीवर। और परचेज रिटर्न क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, परचेज रिटर्न जब हमने किया, खरीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया तो हमें पैसे भी वापस मिल गए, तो हमारे लिए तो क्या हो गया, गेन हो गया। तो जितने भी इनकम और गेन हैं वो कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। समझ में आ गई बात, जब परचेज क्या होता है, परचेज जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हम खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं, लेकिन जब परचेज रिटर्न कर देते हैं, हम खरीदा हुआ सामान वापस कर देते हैं तो हमें पैसे मिल जाते हैं वापस, तो परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद इसी तरह से आता है सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, आशुतोष रिटर्न गुड्स, ठीक है, आशुतोष रिटर्न गुड्स, मतलब क्या हुआ, हमने आशुतोष को सामान बेचा था 5000 का, उसने हमें वापस कर दिया, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है लेकिन जब हम वापस करते हैं तो उसे डेबिट कर देते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशुतोष। अब यहां पर आशुतोष कौन है, देने वाला है, उसने हमें दिया ना, वापस किया खरीद, बेचा हुआ हमने उसे बेचा था, उसने हमें वापस कर दिया, तो वो कौन है, गिवर है ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। और सेल्स रिटर्न से क्या हुआ, हमारा जो हमने बेचा था उसके बाद हमें जो पैसा मिला था, अब उसने हमें वापस कर दिया तो हमें उसे वो पैसा वापस करना होगा, तो ये हमारा खर्चा हो गया, तो टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो टू आशुतोष, ठीक है, क्योंकि हमने उसे पैसा वापस कर दिया। इसे यदि हम मॉडर्न मेथड के थ्रू देखते हैं तो सेल्स क्या थी, सेल्स हमारी, सेल्स रिटर्न क्या थी, हमारी रेवेन्यू था, ठीक है ना, हमारा रेवेन्यू था, लेकिन अब हमारा सेल्स रिटर्न क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। जब हमारा सेल्स रिटर्न एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और किसे दिया, और आशुतोष को दे दिया, तो टू आशुतोष अकाउंट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो बच्चों, कभी कभी कुछ जगहों पर आप दोनों ही मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ जगहों पर आप दोनों ही मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, आशुतोष रिटर्न गुड्स 5000, ठीक है ना, अब यहाँ पर जो पहले है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो हमने इस एक्सपेंस को इंक्रीज होने पर डेबिट कर दिया। और यहाँ आशुतोष कौन है, आशुतोष में यदि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि आशुतोष कौन है, तो यहाँ पर चले जाओ, आशुतोष है गिवर, तो यहाँ पर गिवर लिख दो उसको। तो दोनों ही मेथड के थ्रू भी आप देख सकते हो कि किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि नहीं इस मेथड में हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है, तो हम दूसरी मेथड यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। अब एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो जनरल एंट्री है वो और समझो, ये तो बस मैंने ऐसे ही आपको बना के दे दिया था वीडियो कि आपको किसी तरह का यदि कोई डाउट हो तो इस वीडियो के थ्रू पूरा हो जाए। ये जो एंट्री है बड़ी मज़ेदार एंट्री है, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं इस एंट्री में, क्या एंट्री है, एक तो एक ड्राइंग की भी एंट्री है, यदि हम विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ 5000 फॉर कैश, ठीक है, कैश करा तो कैश, बैंक करा तो कैश, तो विड्रॉ जब भी करते हैं बच्चों तो हमेशा ध्यान रखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट आता है, टू क्या आता है, टू कैश अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो बिजनेस हमें पैसा दे रहा है, हम खुद के पर्सनल खर्चों के लिए निकाल रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, कैश हमें मिल रहा है, तो गिवर कौन होता है, क्रेडिट होता है। बस इतना ध्यान रखना, कैश, बैंक, कैपिटल, ये सब कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो गिवर कौन है, कैश है। और ड्रॉइंग क्या है, ड्रॉइंग हमारा एक तरह से
खर्चा है पर हम ड्राइंग रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग भी भैया पर्सनल अकाउंट ही है, उसे नीचे मत तलाशने लगना, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है, तो रिसीवर कौन है? ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब हम यहाँ पे यदि हम चले जाते हैं तो यहाँ पर ड्राइंग जब हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ड्राइंग एक तरह से बिजनेस का खर्चा है ना, क्योंकि आप बिजनेस का पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ कर रहे हो, तो ये खर्चा है। तो जब हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। और कैश क्या हो रही है? कैश कम हो रही है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब जो मैं एक चीज बता रही थी वो एंट्री थी हमारी, किस चीज की एंट्री थी? रिसीव्ड चेक। देखो मैं क्वेश्चन लिख देती हूं, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है पर मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा इससे। रिसीव्ड चेक कितने का? 29500 फ्रॉम मोहन, सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000, ठीक है, ऑफ 30,000। मतलब क्या हुआ? हमें चेक रिसीव हुआ, ध्यान से समझना बच्चों, हमें चेक रिसीव हुआ 29500 का, मोहन से सेटलमेंट किया था 30,000। तो यहां पर चेक रिसीव हुआ है, ठीक है। क्यों रिसीव हुआ है? क्योंकि हमने कभी उनको सामान बेचा होगा, हमने कभी उनको सामान बेचा होगा। कितने का सामान बेचा होगा? 30,000 का सामान बेचा होगा, लेकिन उन्होंने हमको दिया 29500 रुपये। तो 30,000 के सामान में उन्होंने हमको 29500 दिया, तो मतलब क्या हुआ? हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया होगा, तभी तो उन्होंने हमें कम पैसे दिए। ऐसे ही थोड़ी उन्होंने हमको कम पैसे दे दिए, तो हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया होगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखो कि जब हमें किसी से चेक रिसीव होता है, तो उस स्थिति में चेक रिसीव होता है जब हम उसे सामान बेचते हैं, और जब हम सामान सेल करते हैं तब हम हमेशा डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ठीक है। हमें डिस्काउंट रिसीव नहीं होता है तब हम हमेशा डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो बस हमें डिस्काउंट अलाउ की एंट्री करना है। यदि बैंक के थ्रू पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और यदि चेक के थ्रू पैसा मिला है तो चेक कैश अकाउंट डेबिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कौन है? मोहन, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये तो एंट्री कर ली, अब एंट्री को आप बोलोगे डिस्काउंट अलाउ को डेबिट क्यों किया गया है, ठीक है। देखो यदि हम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू करते हैं तो पहला तो एक तो कैश अकाउंट कैश डेबिट है, रिसीवर हो गया। अब डिस्काउंट अलाउ किया, अब भैया डिस्काउंट मैंने उसको दिया तो ये मेरा खर्चा हो गया ना, मुझे तो अच्छे खासे 30,000 मिल रहे थे लेकिन मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मैं क्या करती हूँ? उन्हें मैं क्या करती हूँ? डेबिट कर देती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दिया। और टू मोहन, तो मोहन कौन है? गिवर है। समझ में आ गया? अब इसी को मैं यदि मॉडर्न मेथड से समझती हूँ तो कैश मेरे पास इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउ मेरा क्या है? एक्सपेंसेस है, और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। टू मोहन, यहाँ पर आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू भी सोच सकते हो कि मोहन गिवर है इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट में 29500, यहाँ पर 500 और यहाँ पर 30,000। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक और चीज़ है, क्या है? चलो इसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि यहीं पर हमारे सारा लिखा हुआ है तो हम इसी को कर देंगे आगे। इसी के अपोजिट जो है, इसके ही अपोजिट क्या है? ये तो था किस चीज़ के लिए? अलाउ के लिए। अब है इशू चेक 39,000 टू परम, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ फोर्टी थाउजेंड। अब ध्यान से समझो बच्चों इसे, इसमें यहाँ पर हमने क्या किया है? इशू किया है। इशू कब करते हैं हम? जब हम सामान खरीदते हैं, हमने सामान खरीदा होगा, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? चेक दे रहे हैं। जब हम सामान खरीदते हैं तब हम चेक इशू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने जब चेक इशू किया तो हमारे पास से क्या हुआ? कैश चला गया, कैश चला गया, और हमें क्या हुआ? 39,000 ही पेमेंट करना पड़ा, हमें करना था 40,000, मतलब हमें 1,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया। किससे रिसीव हो गया? परम से। तो परम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू
बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर चेक लिखा है ना, कैश लिखा होता तो कैश में कर लेते। अब अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर 40,000 आएगा, यहाँ पर 1,000 आएगा और यहाँ पर 39,000 आएगा। ठीक है, तो अब इसको समझो ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। परम कौन है? परम है जिसको हमने चेक इशू किया है, ठीक है ना। तो परम कौन है जिसको हमने चेक इशू किया है, तो जिसको वो रिसीवर हो गया, तो जितने भी रिसीवर होते हैं उसे डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो भैया अच्छी बात है ना, हमारी इनकम हो गई, क्योंकि हमें करना था 40,000, 1,000 कम करना पड़ा, तो उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और साथ ही साथ क्या हुआ, हमारे बैंक अकाउंट में भी 39,000 आ गया, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हमने बैंक से इशू किया है तो हम कौन हो गए, हम गिवर हो गए, क्योंकि हमने इशू किया है, तो गिवर कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। इसी को यदि मैं मॉडर्न मेथड से समझती हूँ, तो परम को यदि हम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू समझें, तो परम कौन है, रिसीवर जिसे हमने चेक इशू किया है। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव होने से हमारी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया, और बैंक के थ्रू हमारा जो एसेट्स है वो कम हो गई है, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो जनरल एंट्रीज थी वो मैंने समझा दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोनों ही मेथड से समझाया है, यदि कोई डाउट हो तो जरूर पूछना।